छिंदवाड़ा में बुधवार को हुई तेज बारिश से बरसाती नाले में तेज उफान आने से एक युवक नाले में बह गया तो वहीं दो बच्चों को सुरक्षित निकालने का मामला सामने आया है। दरअसल छिंदवाड़ा के बीच शहर में स्थित भगवान श्रीचंद स्कूल के पीछे का ये मामला है। घटना की सूचना के बाद प्रशासन व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, युवक की तलाश में जुट गई। घटना के बाद जानकारी लगते ही छिंदवाड़ा नव निर्वाचित महापौर विक्रम आहाके भी मौके पर पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात कर हर संभव मदद की बात कही। आपको बता दें कि जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, नदी नाले सभी उफान पर हैं, जिसके चलते लोग असावधान तरीके से पुल पुलिया को पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि प्रशासन पानी भरा वाले स्थानों में लोगों को न जाने को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं जिले में आज अचानक हुई घटना से सनसनी फैल गई, फिलहाल की तलाश जारी है और घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर 40 वर्षीय युवक शाम की तलाश में जुटी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए छिंदवाड़ा सीएसपी प्रियंका पांडे ने बताया कि रेलवे पटरी के पास बस्तियां बनी हुई हैं, उसी के पास एक नाला बना हुआ है जिसमें 40 वर्षीय व्यक्ति शाम नाले में बह गए तो वहीं उनके साथ दो बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी 40 वर्षीय युवक की तलाश में जुटी है। यहाँ भी एक ऐसी घटना हुई है कि व्यक्ति जो बुजुर्ग बाहर क्या कर रहा है। निश्चित तौर पर जो पिछले समय में लापरवाहियाँ हुई हैं और ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, उसका खामियाजा आज भुगतने को आया। आज यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 7 में आता है और यहाँ पर 7 और 5 दोनों में आता है और आज एक श्याम इनवाती जो 45 वर्ष के थे आज वो बह गए हैं और परिवार के 3 बच्चे भी बह गए थे जिनको आसपास के ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के द्वारा उनको बचाया गया है। घटना दुखद है, इसकी निंदा करते हैं और जो कार्रवाई शासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से होगी, जो मदद माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की तरफ से उनको भिजवाया जाएगा, हमारे पार्षद मनोज सक्सेना जी और राम शर्मा जी के द्वारा अभी उनकी उचित रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। लगातार बारिश में लोग समस्या हो रहे हैं, उसको लेकर क्या नगर निगम में ऐसा प्रयास करेंगे जहां पानी भर रहा है? निश्चित तौर पर हमने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है लेकिन फिर भी आज जनता के बीच है, लेकिन प्रशासन देरी कर रहा है। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा तो बारिश का मौसम है, सबसे पहले जो प्रयास किए जाएंगे हमारे छिंदवाड़ा में स्ट्रक्चर और क्षेत्र और जो बारिश में समस्याओं से निपटने के लिए प्लान बनाया जाएगा। कितने लोगों को सुरक्षित निकाल? अभी आज सुबह से लगभग बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, इसी बारिश के दरमियान इस नाले में अचानक से पानी बढ़ गया और रेलवे जो ट्रैक है उसके बगल में जो बस्तियां बनी हुई थी उन्हीं में से पानी उन बस्तियों में चढ़ गया, जिससे एक व्यक्ति जो श्याम इगनाती थे 40 वर्षीय वो नाले में बह गए हैं और उनके साथ दो छोटे बच्चे थे 3 साल और 5 साल के अजीत और सुजीत, उनको बचा लिया गया है और उनकी जो बहे हुए व्यक्ति हैं श्याम उनके लिए सर्च अभियान जारी है, हमारा टीम रवाना है हर जगह से। अभी तो व्यक्ति देखा जाए तो हर मकान ही क्षतिग्रस्त है वहाँ पे, लेकिन अगर पूरी तरह से जड़ समेत देखा जाए तो एक ही मकान टोटल गिरा हुआ है।